हम कन्फेशन करेंगे, जब हम कबूली करते हैं तो हमने, अगर इंग्लिश में कबूल करना है तो हम इंग्लिश में कबूल करेंगे, अगर हिंदी में करना है तो हिंदी में करेंगे, और अगर अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल करना चाहते हैं वैसा करेंगे, लेकिन हमने मुँह से बोलकर इसे कबूल करना बेहद ज़रूरी है। आई एम ट्रायम्फेंट फॉर एवर बिकॉज आई एम बॉर्न ऑफ गॉड एंड आई लिव बाय द वर्ल्ड। I am born of God and I live by His word. Greater is He that's in me than He that's in the world. I am born of God and I live by His word. Greater is He that's in me than He that's in the world. My life is for the glory of God. I win every day. That's my heritage in the Lord. I am strong in Him and in the power of His might to do exploits. Blessed be God. मैं विजेता हूँ सदा के लिए, क्योंकि मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ और मैं वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा जीता हूँ। जो मुझ में है वह सबसे सामर्थी है, महान है, उससे ज़्यादा जो जगत में है। मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए है। मैं हर रोज़ जीतता हूँ, वो मेरी विरासत है प्रभु में। मैं प्रभु में बलवंत हो और उसके सामर्थ के अंदर मैं कारनामों को करता हूँ। उसके सामर्थ के शक्ति में मैं कारनामे करता हूँ। धन्य हो परमेश्वर। आज मनन करने के लिए जो वचन दिए हैं, जॉन 14 चैप्टर 12 वर्स, जॉन 14 चैप्टर 15 वर्स, जेम्स 1 चैप्टर 22, 23, 24, 25 वर्स। आज मेडिटेट के लिए, मनन के लिए जो वचन मिले हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 12 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15 वचन, याकूब की पत्री 1 अध्याय 22, 23, 24, 25 वचन। हम इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। जॉन 14 चैप्टर 12 वर्स हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। वेरीली वेरीली आई से अनटू यू, ही दैट बिलीवेथ ऑन मी, द वर्क्स दैट आई डू शाल ही डू ऑल्सो, एंड ग्रेटर वर्क्स दैन दिस शाल ही डू, बिकॉज आई गो unto my फादर। यही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 12 वचन पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 12 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जॉन्स गॉस्पल 14 चैप्टर का 15 वर्स पढ़ेंगे।
इफ़ ये लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:15 पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और एक बार पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:12 और एक बार पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:15 पढ़ेंगे और एक बार। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जेम्स 1:22-23 वर्स पढ़ेंगे इंग्लिश में, BSI बाइबल इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्शन बाइबल में। और जेम्स 1:22-25 हम पढ़ेंगे। बट बी ये डूअर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड नॉट हियरर्स ओनली, डिसीविंग योर ओन सेल्व्स। फॉर इफ एनी बी अ हियरर ऑफ द वर्ल्ड एंड नॉट अ डूअर, ही इज लाइक अनटू अ मैन बीहोल्डिंग हिज नेचुरल फेस इन अ ग्लास। फॉर ही बीहोल्डेथ हिमसेल्फ एंड गोएथ हिज वे एंड स्ट्रेट वे फॉरगेटेथ व्हाट मैनर ऑफ मैन ही वॉज। बट हूसो लुकेथ इनटू द परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी एंड कंटिन्यूएथ देयर इन, ही बीइंग नॉट अ फॉरगेटफुल हियरर बट अ डूअर ऑफ द वर्क, दिस मैन शाल बी ब्लेस्ड इन हिज डीड। हम इन्हीं वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 1:22-25 तक। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देख कर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता के सिद्ध अव्यवस्था पर ध्यान करता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। और एक बार पढ़ेंगे याकूब की पत्री 1:22-25 तक। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया।